नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के चिट्टा रोड पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों न्यू यसबी सुबान बेकरी एंड शावरमा पॉइंट का हुआ उद्घाटन। राज्य शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में आजादी के दिन काली पट्टी बांधेंगे कर्नाटक के 8,000 स्कूलों के शिक्षक। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जापान जर्मनी से बड़ी बनाने के लिए काम करेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का दावा। पीएम मोदी 10 अगस्त को जाएंगे वायनाड भूस्खलन प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन। पेरिस ओलंपिक के फाइनल के लिए अयोग्य ठहराए जाने से निराश महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की कर दी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के चिट्टा रोड पर जेके पेट्रोल पंप के सामने बुधवार 7 अगस्त की शाम को न्यू यसबी सुबान बेकरी एंड शावरमा पॉइंट का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन काटकर इस बेकरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस भी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा इस अवसर पर बीदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान, मोहम्मद इमरान के अलावा अन्य साथी उपस्थित रहे। इस सुबान बेकरी एंड शावरमा पॉइंट के मालिक मोहम्मद अशफाक ने सभी का स्वागत किया और मुख्य अतिथियों और अन्य अतिथियों का शाल और फूलमाला पहनाकर सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नमाज खान और बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस ने मीडिया से बात करते हुए इस बेकरी के उद्घाटन पर इसके मालिक मोहम्मद अशफाक को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गौस भाई जो सिटी चेयरमैन भी है बीदर के, जो उन्होंने इनॉग्रेशन में आके इस चार चांद लगा दिए इस इनॉग्रेशन को, और हमारे अशफाक मालिक हमारे इनके ग्रुप सबको हमारे तरफ से मुबारकबादी देता हूँ, और हमारे अयान खान जो एक्टर भी है उनको भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। खुदा हाफिज़। सीएजी टू गवर्नमेंट, सीएजी ने सिद्धरामैया सरकार के लिए एक और गारंटी चुनौती को हरी झंडी दिखाई। राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी सिद्धरामैया सरकार के लिए नवीनतम सिरदर्द बन सकती है, जो पहले से ही अपने प्रमुख गारंटी कानून के कार्यान्वयन के बाद भारी वित्तीय तनाव में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बिजली आपूर्ति कंपनियों और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की उधारी के लिए 52,33,574 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है। यह एक टिकता हुआ टाइम बम हो सकता है, क्योंकि सीएजी ने चेतावनी दी थी कि इसकॉम द्वारा किए जा रहे घाटे को देखते हुए आखिरकार पूरी देनदारी राज्य सरकार पर आ सकती है। सीएजी की चेतावनी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस सरकार इस वित्तीय वर्ष में 5 गारंटी योजनाओं पर 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पिछले साल इन योजनाओं पर 36,857 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कर्नाटक निजी स्कूल प्रबंधन शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी समन्वय समिति केपीएमटीसीसी ने राज्य शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में 15 अगस्त को काला स्वतंत्रता दिवस ब्लैक इंडिपेंडेंस डे मनाने का फैसला किया है। यह समिति राज्य के लगभग 8,000 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्नाटक में एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स केम्स के महासचिव डी शशि कुमार डॉक्टर शशि कुमार ने मंगलवार को कहा, स्वतंत्रता दिवस के दिन निजी स्कूलों के प्रमुख और शिक्षक काली पट्टी पहनेंगे। विभिन्न नियमों का हवाला देकर शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें व्यवस्थित रूप से परेशान कर रहे हैं। पुराने स्कूलों में अग्निशमक यंत्र लगाने की बात से लेकर हर साल मान्यता प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण तक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। निजी स्कूल प्रबंधन संघों ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों से शिक्षा विभाग अपने अधीन आने वाले संस्थानों के लिए किसी भी सुसंगत नियम का पालन किए बिना रोजाना आदेश जारी कर रहा है। अग्नि सुरक्षा, लोक निर्माण, राजस्व, बाल अधिकार आयोग और पुलिस सहित अन्य विभाग भी उत्पीड़न में लिप्त है और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए रिश्वत मांगते हैं। बुधवार 7 अगस्त की रात उपद्रवियों ने मंडिया के बाहरी इलाके उमाधली के पास भाजपा के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा की तस्वीर वाले फ्लैक्स बैनर को जला दिया। कथित मुड़ा घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु से मैसूर तक बीजेपी जेडीएस गठबंधन दलों द्वारा निकाली गई मैसूर चलो पदयात्रा के हिस्से के रूप में फ्लैक्स बैनर लगाए गए थे। रैली बुधवार को मंडिया पहुंची। रैली में भाग लेने वाले नेताओं के स्वागत के लिए मैसूर बेंगलुरु राजमार्ग पर अंडरपास पर फ्लैक्स लगाए गए थे। कुछ उपद्रवी
कर्मचारियों ने प्रीतम गोड़ा की तस्वीरों वाले बैनरों को आग लगा दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बुधवार को मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के लॉन्च में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि वह महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जापान और जर्मनी से भी बड़ी बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा 2047 तक एक दिन ऐसा आएगा जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। उस समय महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। हम सभी को इसके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं आप लोगों के साथ इस हद तक काम करूंगा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए जो जापान और जर्मनी से बड़ी हो। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की। उन्होंने शिंदे और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बीच समानताएं बताई। उन्होंने बताया कि दोनों ने अपने लो प्रोफाइल व्यक्तित्व को करिश्माई नेताओं के तौर पर बदल दिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU अफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036। और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE, कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा आज ही कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई, जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। बता दें कि मुंबई के चेंबरू कॉलेज द्वारा परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई कि याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जाए। कॉलेज द्वारा परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। दरअसल चेंबरू कॉलेज ने इस साल मई में एक नया ड्रेस कोड जारी किया था जो जून में शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष में लागू होना था।
पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केरल में वायनाड के दौरे पर जाएंगे। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन की वजह से केरल में कई जगहों पर भारी जान माल का नुकसान हुआ है। केरल के हालात को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वायनाड दौरे पर 10 अगस्त को जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने प्रभावित इलाका दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि शिवसेना यूपीटी के नेता उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए कांग्रेस का समर्थन जुटाना है और वह महाराष्ट्र के किसानों, महिलाओं व युवाओं से संबंधित मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे। भाजपा विधायक आशीष शोलार ने कहा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की महिलाओं, किसानों या युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। वह कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गए हैं, क्योंकि वह अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 31 सीट पर शिवसेना, यूपीटी कांग्रेस और एनसीपीएसपी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी की जीत के बाद ठाकरे मंगलवार को पहली बार दिल्ली रवाना हुए थे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं से ठाकरे की मुलाकात करने और महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा करने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को कोलकाता स्थित उनके घर पर निधन हो गया। यह जानकारी सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दी। वह बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम भट्टाचार्य 80 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। सीपीआईएम नेता 2000 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि भट्टाचार्य का सुबह करीब 8:30 पर निधन हो गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता ने वर्ष 2000 में पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति बसु से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। भट्टाचार्य वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से विधानसभा चुनाव हार गए थे और मकापा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे का राज्य में 34 साल लंबा शासन उसी वर्ष समाप्त हो गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के कार्यकाल के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन चलाए गए थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2015 में सीपीआईएम पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति से इस्तीफा दे दिया और 2018 में पार्टी के राज्य सचिवालय की सदस्यता छोड़ दी। पिछले कुछ वर्षों में वह ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे और दक्षिण कोलकाता के पॉम एवेन्यू में अपने 2 कमरों वाले सरकारी अपार्टमेंट तक ही सीमित रहे। पेरिस ओलंपिक के फाइनल से ठीक पहले आयोग करार दिए जाने के बाद भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने आज गुरुवार 8 अगस्त को कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि उनका हौसला और देश का सपना दोनों ही टूट चुके हैं और अब उनके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। पेरिस ओलंपिक में 7 अगस्त को उन्हें वजन अधिक होने के कारण फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिससे वह बेहद परेशान थी। संन्यास की घोषणा ने उनके लंबे संघर्ष और व्यक्तिगत कठिनाई को उजागर किया। इस फैसले से उनके प्रशंसक और खेल समुदाय में गहरा दुख और निराशा फैल गई है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। नई लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दिन से लेकर बजट सत्र और आज के दिन
तक विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे और आराचरण से नाराज होकर सभापति जगदीप धनखड़ भावुक होकर इतने नाराज हुए कि सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। आज राज्यसभा में कुछ विपक्षी सांसदों के आचरण से दुखी होकर अपने संबोधन में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इसके आगे वो बोले, मैं दुखी मन से ये कहते हुए आसन से उठकर चले गए। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। आपको बताते चले कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब सभापति ने विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी जताई हो। वो बड़ी सौम्यता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज कुछ सांसदों की टिप्पणी उन्हें इतना आहत कर गई कि वो खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुखी मन से कहना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने बहुत कुछ सुना, लेकिन कभी भी ऐसा आचरण आहत कर देता है। ऐसे में वो इन हरकतों की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चला पा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन और दो ओलंपिक मेडल के साथ बुधवार को स्वदेश लौटी मनु भाकर का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली, उनके माता पिता ने उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी सभी ने जोरदार स्वागत किया। इसी बीच मनु भाकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिली है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बुधवार सुबह मनु भाकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उनके माता पिता परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली हरियाणा और उत्तराखंड के लोग भी पहुंचे। मनु भाकर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले टर्मिनल 3 भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के चिट्टा रोड पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों न्यू यस्मी सुबान बेकरी एंड शावरमा पॉइंट का हुआ उद्घाटन। राज्य शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में आजादी के दिन काली पट्टी बांधेंगे कर्नाटक के 8,000 स्कूलों के शिक्षक। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जापान जर्मनी से बड़ी बनाने के लिए काम करेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का दावा। पीएम मोदी 10 अगस्त को जाएंगे वायनाड भूस्खलन प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन। पेरिस ओलंपिक के फाइनल के लिए अयोग्य ठहराए जाने से निराश महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की कर दी घोषणा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।